वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। आज है 1 अक्टूबर और आप देख रहे हैं सफरिंग लाइफ का एक नया ब्लॉग। तो बेसिकली मैंने आपको बता दूं, पहले तो ये जो टी शर्ट है, लगातार आप मेरे तीनों ब्लॉग में इसी टी शर्ट में मुझे पाएंगे। असल में बात ये है कि मैं बहुत आलसी हूँ, तो जो मुझे मिल जाता है वो मैं पहन लेता हूँ, और घर से बाहर जाना नहीं होता तो मेरे कपड़े गंदे होते नहीं हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर के कि जो अक्टूबर का मंथ है वो पूरा मेरा ऑफ है। मतलब मैंने जो काम है मेरा उससे ऑफ ले रखा है। रीज़न ये है कि पूरे अक्टूबर में मैंने आपको बताया था जो कि मेरा घर मॉडिफाई हो रहा है और कुछ फर्नीचर का काम है, तो वो सारा मुझे कैप्चर करना है और डे बाई डे जो भी रहेगा वो मुझे ब्लॉग में बनाना है और उसको यूट्यूब पर डालना है। तो अक्टूबर भर मेरी पूरी प्रैक्टिस है यूट्यूब के लिए, और जो घर में काम होंगे उसमें मुझे हाथ बटाना है। तो उस वजह से जो मेरा ऑफिस वाला हैक्टिक काम था वो मैंने ऑफ कर रखा है। पूरे 1 महीने के बाद दोबारा से वापस ऑफिस का काम कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल जो भी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाऊंगा। आज मॉर्निंग मेरी 5 बजे हो गई क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई को कोचिंग छोड़ने जाना था, तो मैंने कहा इसी बहाने ये काम भी शुरू हो जाएगा। और अच्छे से फिर मैंने घर वापस आ करके घर के बाहर की सफाई वगैरह कर दी, वो देख लेना आप आगे। उसके बाद बस चल रहे हैं, डे की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आज का पूरा व्लॉग आपको अच्छा लगे। बेसिकली हमारा स्टोर है, तो ये पूरा जो है इसमें फ्रेमिंग हो जाएगी, और ये सामने जो भी सामान वगैरह रखा हुआ था स्टोर में ये सब हट करके बाहर आएगा और सब सही से ये फ्रेमिंग हो जाएगी। और ये वाले बेड को सही होना है, ये सही होगा। हमारा जो मंदिर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सारी जो है चीज़ें बदल जाएंगी। फ़िलहाल अभी के लिए तो ऐसे ही है, कुछ दिन के बाद जब ये चेंज हो जाएगा तब आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। सो अभी चल रहा है बैंक का प्रोसेस। बैंक आए थे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, कुछ पैसे वगैरह के लिए, तो वो अभी फ़िलहाल हो गया है। और ये पीछे मम्मी यहाँ पर हैं, अभी लंच टाइम चल रहा है, तो लंच टाइम के बाद वो सारी चीज़ें जो भी हैं बैंक का प्रोसेस वो हो जाएगा, देन फिर घर, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। कंटिन्यू है पूरा, ये कुछ ऐसा हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ अभी ऐसा कुछ है, आपको दिखाते हैं। ये फ्रेमिंग हो गई है,
सो अभी मैं आ गया हूँ छत पे और काम कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम जाएंगे उस काम के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी सामान वगैरह चाहिए वो सारा लेकर के आ जाएंगे ताकि काम जो है वो कंटिन्यू रहे। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ काम क्यों हो रहा है। मेरा ड्रीम था कि मैं नवंबर से अपना नया घर बनवाना स्टार्ट कर दूँ, बट किन्हीं वजहों से वो घर अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो जो भी मेरे ड्रीम थे मैंने उनको मॉडिफाई किया। मैंने ये सोचा कि जिस घर में अभी हम रह रहे हैं हम उसको ही पूरा मॉडिफाई कर देते हैं, उसको पूरा चेंज कर देते हैं, और उसमें जो भी पेंट्स मॉडिफाई जो भी चीज़ें सही करानी है वो अच्छा हो जाए। तो ये सारा मेरा सेटअप था, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें होती रहेंगी वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो अभी मेरा जो काम है वो ये कि जो भी वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका जो भी चाय नाश्ता भी वो होगा, उसके बाद फिर उन्हीं के साथ जा कर के जो जो सामान लाना है वो लाऊंगा। और बेसिकली मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि घर का पूरा आर्किटेक्चर कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें नई हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें। जो भी आपको मैंने रूम दिखाया है वो बेसिकली हमारा ऊपर का स्टोर रूम था, अब वो पूरी एक तरीके से हमारा एक और बेडरूम बन जाएगा। तो उसको पूरा मॉडिफाई करके उसमें अच्छे से अलमीरा वगैरह लगा करके मॉडिफिकेशन पूरा कंप्लीट, बेड वेड अच्छा, उसमें बिल्कुल एक बढ़िया बेडरूम बन जाएगा, तो वो भी हमारे काम आएगा। और साथ ही साथ फिर पूरा पेंट्स वेंट्स वगैरह होंगे, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो में बने रहें और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और हाँ, ये कुछ हमारे घर के ऊपर से नज़ारा है। ये आप देख रहे हो जो ये रास्ता गई है, ये हमारे गोकुला में शिव मंदिर जी का स्थान है, वो इस तरफ है, और इधर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और साथ ही साथ बजाज चीनी मिल। अरे हमारे घर के सामने स्टेट बैंक है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बैंक है, कोई भी काम इनका टाइम से नहीं होता। खैर, तो फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हो सब साइड में, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, ये सब पेंट्स वगैरह हो जाएंगे, और ये इस तरफ का भी सारा पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी सोची हैं, उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे होता रहेगा और आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें और बस ऐसे ही देखते रहें नज़ारे।